नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स 2023 के पेपर में पूछा गया है, कैलकुलस के पेपर में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हर साल पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा लिमिट प्रूफ करने के लिए बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके इस लिमिट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना, इस लिमिट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो बाय डेफिनेशन हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देन हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पर डेल्टा फाइंड करना होता है। ये डेल्टा है, एस मत समझना कोई इसको, ठीक है, ये क्या है, ये डेल्टा है। सो दैट क्या होती है डेफिनेशन, कि आप क्या लिख दोगे, ये लिखोगे आप कि एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स, चलो मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एल का मॉड ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से व्हेन एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन होगा डेल्टा से। ठीक है, देन हम लोग क्या कहते हैं, देन इसी को हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इस लिमिट को हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इजकल टू एल, ये हमको यहाँ पर दिया है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से और बहुत डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को है बता रहा हूँ। तो हम यहाँ से कंपेयर करो, हमको ये चीज प्रूफ करना है, यानी कि डेल्टा हमको फाइंड करना है। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका एफ एक्स, यहाँ पर लिख लो एफ एक्स हमारा क्या है बताओ, तो एफ एक्स है हमारा वन अपान वन माइनस एक्स, ठीक है, और L कितना है हमारा, L ये जो L होता है ये है यहाँ पर माइनस वन, तो ये है हमारा माइनस वन, ठीक है। चलो फिर इसके बाद C, तो C क्या है हमारा टू, तो C है हमारा टू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो जब आप लोग इसको प्रूफ करोगे तो किसको लेकर के चलोगे, इसको इस वाली कंडीशन को लेकर के चलोगे, और इस वाली कंडीशन से हमको केवल डेल्टा फाइंड करना है यहाँ से, तो इसको लेकर के चलना है। तो एक बात ध्यान रखना कि हम लोग लेकर के जो चल रहे हैं मॉड एफ एक्स माइनस एल, तो अभी यहाँ पर ही लेस देन एप्सिलॉन मत लिख देना, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जितना अधिक से अधिक सॉल्व कर सकते हो इसको सॉल्व करो। तो एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वन अपान वन माइनस एक्स माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है माइनस वन, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा वन अपान वन माइनस एक्स, और ये हो गया आपका प्लस वन, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो नीचे बटे में क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स, और एलसीएम लोगे तो यहाँ पर वन माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि इसको आप लिख सकते हो, यदि माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो बाहर करोगे तो मॉड लगा है तो बाहर तो माइनस आएगा नहीं, तो माइनस इससे कॉमन ले सकते हो, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, और इधर से भी ले लो नीचे से तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है इस वाली कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं, हमको दिखाना क्या है एक्स माइनस सी, सी की जगह क्या है टू और लेस देन डेल्टा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर जो माइनस कॉमन लिया है, माइनस एक्स प्लस टू था तो मैंने इसको एक्स माइनस टू यहाँ पर बना दिया है। अब देखो एक्स मॉड एक्स माइनस टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऊपर का मॉड अलग कर दो और नीचे का मॉड अलग कर दो, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे काम का है, समझ रहे हो, मॉड एक्स माइनस टू को ही तो हमें दिखाना है, तो इसको छेड़खानी नहीं करना है, इसको आपका जैसा है वैसा ही रखा रहने दो, और ये जो बटे में मॉड एक्स माइनस वन है इसको हमें यहाँ से चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करना है इसको, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा।
तो देखो करते हैं रफ वर्क, मैं आपको रफ वर्क करना सिखा रहा हूं। देखो सी हमारा क्या है, टू है, ये हमारा टू है, ठीक है। सी हमारा क्या है, टू है, तो हम लोग एक डेल्टा इसका नेबरहुड बनाते हैं। यहां पर लिख लो लेट, यहां पर हमने डेल्टा की वैल्यू अपने मन से चूज की वन, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अभी ये जरूरी नहीं है कि जो हमने ये वैल्यू चूज कर ली है ये सही ही हो, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा करके ठीक है, मतलब आपको आना चाहिए ये चीज करना। तो देखो ये टू ले लिया हमने, जब यहाँ पर टू प्लस डेल्टा करेंगे तो कुछ आगे आ जाएंगे, टू प्लस डेल्टा, डेल्टा हमने वन चूज किया है तो ये हो जाएगा थ्री। फिर यहां पर आ जाते हैं टू माइनस डेल्टा, तो जब टू माइनस डेल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, है ना। टू माइनस वन करेंगे डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि हमने वन ले ली है। तो अब देखो जो एक्स है, एक्स है, ये एक्स हमारा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, ये हमारा वन से थ्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एक्स हमारा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, वन से थ्री के बीच में लाई करेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू थ्री होगी और मिनिमम वैल्यू वन होगी। लेकिन हमको क्या चाहिए है, एक्स माइनस वन का मॉड। तो एक्स माइनस वन जब हम करेंगे तो एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है, और इधर भी माइनस वन हो जाएगा तो इधर टू हो जाएगा, इधर माइनस वन करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मॉड लगा लो तो ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर तो पॉजिटिव है, इधर जीरो हो गया। अब देखो क्या ये जो हमने डेल्टा वन चूज किया है, क्या जो डेल्टा हमने वन लिया है, क्या इसके आधार पर ये वैल्यू सही बैठ रही है, क्योंकि देखो ये हमको डिनोमिनेटर में जब वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जब बटे में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे, और जब हमें कभी ऊपर न्यूमरेटर में जब चेंज करना होगा, अंश में हमें चेंज करना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमने मॉड एक्स माइनस वन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। यदि हम यहाँ पर जीरो रख देंगे तो क्या कुछ बनेगा, नहीं बनेगा काम, है ना। तो ये हमने यहाँ पर अभी डेल्टा को हमने गलत चूज किया। अब डेल्टा देखो हम लोग दूसरा कुछ चूज कर लेते हैं, तो मान लो हमने डेल्टा चूज कर लिया, समझना इसी चीज को है मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने डेल्टा इक्वल टू वन ले लिया तो आप लोग को लगता, और ये सही निकल आता तो आपको लगता कि सर आपने कैसे ले लिया वन डायरेक्ट, है ना। तो इस वजह से देखो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या सही बैठ रहा है। अब डेल्टा को हम थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, डेल्टा को हमने ले लिया कितना, वन बाई टू ले लेते हैं, ठीक है, वन बाई टू ले लो। तो अब देखो यहाँ पर ये टू है, तो टू प्लस डेल्टा इसका नेबरहुड है, टू प्लस डेल्टा और टू माइनस डेल्टा, तो जब टू प्लस डेल्टा आएंगे तो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन बाई टू, यानी कि फाइव बाई टू, या इसी को आप 2.5 भी लिख सकते हो। और टू माइनस डेल्टा, यानी कि टू में जब वन बाई टू माइनस करेंगे, वन बाई टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू टू जब फोर, और फोर में एक गए थ्री, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आ गया। अब देखो यहां पर क्या ये जो हमने लेट किया है, क्या ये सही आ रहा है, तो एक्स जो है वो हमारा लाई कर रहा है कहां से कहां के बीच में, फाइव बाई टू से किसके बीच में, थ्री बाई टू के बीच में, ठीक है, इक्वल भी लगा लो, इसके बीच में हमारा एक्स लाई कर रहा है। तो अब यदि हमको यहां पर क्या रखना है, मॉड एक्स माइनस वन रखना है, तो मॉड एक्स माइनस वन रखो तो सब जगह यहां पर क्या करोगे, वन माइनस कर दो, तो यहां पर भी वन माइनस कर दिया, मॉड लगा लिया, तो यहां पर भी वन माइनस करो, तो जब वन माइनस करोगे तो फाइव बाई टू माइनस वन, यानी कि पांच में दो गए कितना, तीन, तीन बटे दो, और यहां पर भी जब वन माइनस करोगे तो तीन बटे दो में एक गए, तीन बाई टू में वन माइनस हो गया तो कितना बच गया, वन बाई टू आ जाएगा भाई, ठीक है, ये वन बाई टू आ गया। तो मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब देखो यदि वन बाई टू रख, हमको मिनिमम वैल्यू रखना है तो छोटी वाली रखोगे तो ये वन बाई टू यहाँ पर रख दो, तो रख सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से, ठीक है, इसको हम लोग रख सकते हैं। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जब ये आपका पूरा साल्व हो जाए ना, ये जब पूरा साल्व हो जाए, आप इसको जितना साल्व कर सकते हो उतना साल्व कर सकते हो, उतना साल्व करने के बाद आप इसको लेस देन एप्साइलन कर दो, क्योंकि हम इसको लेकर के चल रहे हैं मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन, तो ये आपका आ गया लेस देन एप्साइलन। आपने इसको सॉल्व करने के बाद, इस चीज को सॉल्व करने के बाद ये लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, लेस देन एप्साइलन। अब मॉड एक्स माइनस वन इसकी वैल्यू आपको पुट करना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस टू, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रखोगे, वन बाई टू, तो यहां पर रख दिया हमने वन बाई टू, लेस देन कितना है, एप्साइलन,
अब यहां से देखो इसको ऊपर भेज दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 मॉड x माइनस 2 लेस देन एप्साइलन। हमको क्या निकालना है, मॉड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, तो ये 2 को इधर भेज दो तो ये हो गया एप्साइलन बाई टू। और यही एप्साइलन बाई टू क्या है, यही हमारा डेल्टा है। इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा डेल्टा है, क्योंकि जो डेल्टा होता है ये क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ एप्साइलन होता है, एप्साइलन का फंक्शन होता है। तो यहां पर देखो एप्साइलन का फंक्शन आ गया एप्साइलन बाई टू आ गया यहां पर, तो ये हमारा डेल्टा आ गया। तो x माइनस टू लेस देन डेल्टा हमको प्रूफ करना था, तो यही यहाँ पर ये देखो x माइनस टू लेस देन डेल्टा हमको प्रूफ करना था। हम लोग इस कंडीशन को लेकर के चले और इस कंडीशन को हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा आपने फाइंड किया, लेकिन हमने एक डेल्टा यहाँ पर और लिया है, कौन सा, ये वाला डेल्टा लिया है। तो इन दोनों डेल्टा में जो मिनिमम होगा उसी डेल्टा को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अब कि लेट, देखो अब यहां पर लिख दो कि लेट जो डेल्टा है वो क्या होगा, मिनिमम होगा या इनफीमम, कुछ भी कह सकते हो, तो चलो इनफीमम ही लिख लो, ठीक है। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी, 1/2 में और किस में, एप्साइलन बाई टू में, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, और यही हमको फाइंड करना था कि x माइनस टू लेस देन डेल्टा, और डेल्टा हमारा क्या है, इनफीमम ऑफ 1/2 और एप्साइलन बाई टू। तो बस यही हमको दिखाना होता है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो देन हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ से हमने कह दिया कि मॉड एफ एक्स लिख लो, या सीधे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन एप्साइलन, ठीक है, फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस जो एफ एक्स है हमारा वो किधर कन्वर्ज कर रहा है, माइनस वन की तरफ एज एक्स टेंडिंग टू टू, ठीक है। तो हमने एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन से इसको प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन का। और ये वाला जो यहाँ पर मैंने बताया, तो ये डेल्टा इक्वल टू वन लेकर के, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया ये वाली कंडीशन जो आई, तो इस वजह से इसको नहीं लेंगे, ये वाला डेल्टा फिर नहीं लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा डेल्टा हमने यहाँ पर देखा लेकर के। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं बिल्कुल कंफर्म है कि रखे होंगे, मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि ये आने ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो ना किसी के छूटें। बाकी जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो तो आप सब ने करके रखी ही होंगी, है ना, और मैंने कोर्स में भी करवाई हैं थ्योरम्स, तो बाकी ये थ्योरम्स वगैरह तो आपको स्वयं से ही तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मुझे लगेंगे कि ये बताने लायक हैं, तो उनको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू।